माल्य अर्पण किया, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दिया। क्या ऐसी बात, अगर झारखंड राज्य के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड राज्य के निवासी हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि झारखंड को जिन्होंने अपने रक्त सींचा है उनको कम से कम साल में एक दो बार सर को झुकाएं। और अगर झारखंड राज्य की बात कही जाए तो झारखंड राज्य के लिए आंदोलन आज कई वर्षों से हुआ है, कई दशकों से हुआ है, न जाने कितने लोगों ने शहादत दिया है, कितनी माओं की गोद सुनी हुई है। लेकिन अगर सबसे बड़ी शहादत की बात कही जाए झारखंड राज्य के लिए, जिससे दिल्ली हिली थी, वो शहीद निर्मल महतो की 1987 का वो दौर था जब निर्मल महतो की हत्या हुई थी। यानी झारखंड राज्य के एक ऐसे शहीद जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर झारखंड का निर्माण किया है, तो आज उन्हें नमन करना ये हमारे लिए भाग्य का विषय है, गौरव का विषय है। उस महापुरुष को, युग पुरुष को नमन करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं, और साथ ही साथ राज्य के तमाम युवा वासियों को भी संदेश देंगे कि हमारा उद्देश्य केवल निर्मल दा की पुण्यतिथि, शहादत दिवस और जयंती पर पुष्पांजलि करना नहीं, बल्कि अपितु उनका विचार, उनके शौर्य, उनके हिम्मत को अपने भीतर धारण करना, और जब जब राज्य में अत्याचार हो, जब जब राज्य में शोषण हो, तब तब उसका मुकाबला करने के लिए, निर्मल बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। दादा, क्या निर्मल महतो दादा से आप आशीर्वाद भी मांग रहे 2024 के चुनाव के लिए? हाँ बिल्कुल, मन से उन्हें आशीर्वाद भी मांग रहे हैं कि हम लोग भविष्य में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है झारखंड का, उसमें भी हम लोग अगर मजबूत हो पाए, निर्मल के सपनों को साकार करने में और सार्थकता होगी। क्या सीएम बनेंगे आप? देखिए, ये तो हम चाहेंगे कि सीएम कोई व्यक्ति ना बने, क्योंकि व्यक्ति को कभी भी नष्ट किया जा सकता है। एक विचारधारा सीएम के रूप में आए, एक विचारधारा देश के प्रधानमंत्री के रूप में आए, जो सदियों तक कायम रहे और स्थापित रहे, ताकि उस कुर्सी पर कोई दोबारा व्यक्ति भी अगर चयन होकर आए तो कम से कम वो विचारधारा की जो धारा है वो हमेशा बहती रहे और एक आम जनमानस तक कल्याण होता रहे। दादा, अगर मौका मिला आपको झारखंड की सेवा करने का, तो झारखंड के लिए क्या करना पसंद करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो हमारे शहीदों का सपना था, उन सपनों को साकार करेंगे। और मैंने स्पष्ट कहा कि हमारे भारत देश की बात कही जाए तो यहाँ विभिन्न विभिन्न राज्यों से बनकर हमारा भारत देश बना है, उसी में हमारा एक झारखंड अनूठा राज्य होता है, 40% खनिज संपदा देता है। तो हम लोग का प्रयास होगा कि इस राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक में समझ हो कि राज्य किस लिए बना है, राज्य का नीति नियम क्या होता है, तो ये सारी व्यवस्थाएं हम अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि ऐसा व्यवस्था कायम करेंगे जहाँ समाजवाद का सृजन हो, समाजवाद का विस्तारीकरण हो, हमें कैसी व्यवस्था। दादा, इसी झारखंड में शहीदों को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए आखिर आंदोलन क्यों करना पड़ता है? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जिनके कारण आज मुख्यमंत्री बने हैं, जिनके कारण ये लोग आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, आज उनको अगर दरकिनार करके, केवल उनकी जयंती और पुण्यतिथि में अगर पुष्पांजलि करके, माला चढ़ा के अगर राजनीति करते हैं, तो ये दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए मेरा मानना है उन्हें शहीद का दर्जा मिले, अभी तो विधानसभा परिसर में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए, या झारखंड राज्य के पन्ने को पलटा जाए। तो सबसे बड़ा शहादत किसी का है तो निर्मल महतो का है, क्योंकि जब उनकी शहादत हुई थी, इस राज्य के सबसे बड़े लीडर थे, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वे सेंट्रल प्रेसिडेंट थे। जोहार सभी का, धन्यवाद।